हमेशा अपनी पीछों से विवादों में रहने वाले असीउद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद एमएमआई के नेता असीउद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है और उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने ईवीएम में नहीं हिंदू दिमागों में हेराफेरी की है। इस चुनाव में जात पात और धर्म अहम मुद्दा अहम साबित हुआ है। बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला और वह कामयाब रही। पूरे चुनाव में विकास का मुद्दा गायब रहा। नोटबंदी जीएसटी जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करी। देश में रोजगार की कोई बात नहीं करी। सिर्फ हिंदूवाद की बात करी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी। एक सीट की बजाय 10 सीट लाने की बात करी। एनडीए की 352 सीटों पर कब्जा किया है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब बीजेपी ने 300 का आंकड़ा छुआ है। इससे पहले 2014 में मोदी नेतृत्व में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा 282 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लोकसभा चुनाव के अंदर 352 सीटें किसी पार्टी ने ली हों। ओबीसी ने कहा कि देश के अंदर बहुत बड़ा खेल खेला गया है जो लोगों को समझ में आएगा थोड़े टाइम के बाद ही। उन्होंने कहा कि ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ईवीएम से भी बड़ा कार्ड खेला है बीजेपी ने, और वो खेला है हिंदू मुस्लिम कार्ड, जिसमें बीजेपी रही है सफल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।